चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विश्व योग की। क्या होता है विश्व योग? हमने अक्सर विश्व योग की चर्चा सुनी है। कहा जाता है कि कुंडली में ये विश्व योग कहीं शुभ फल देता है तो कहीं बेहद ही अशुभ फल भी देता है। तो क्या होता है? पहला सवाल तो यही प्रदीप जी, अक्सर हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल रहता है कि ये विश्व योग होता क्या है, पहले तो आप यही बताएं। जी देखिए, जब हम विष योग की बात करते हैं तो विष योग तब बनता है किसी भी कुंडली में जब शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है। कई बार आमने सामने बैठे होते हैं तब भी हम उसको बोल देते हैं कि आंशिक रूप से है, लेकिन पूर्णतः विष योग जब भी बनेगा उसमें शनि और चंद्र की युति होगी और जितना वो एक साथ मिलकर बैठेंगे यानी कि डिग्री वाइज जितने वो क्लोज हो जाएंगे उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट आ जाएगा। अब जब शनि और चंद्र साथ होंगे तो चंद्रमा तो भागने की कोशिश करेगा और शनि पकड़ने की कोशिश करेगा, और चूंकि शनि जो है वो काफ़ी बड़ा प्लैनेट है और चंद्रमा क्या है, कोमल प्लैनेट है यानी कि शुभ प्लैनेट है, और शनि है मैलिफिक प्लैनेट, तो दोनों के कारक तत्व भी अलग हैं, दोनों का नेचर भी अलग है, दोनों की गति भी अलग है। तो जब शनि और चंद्र साथ बैठते हैं तो चंद्रमा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है यानी कि वो शनि के साथ आके फंस जाता है, स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस केस में जो आपका मन है वो ओवरथिंकिंग करने लगता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग आ जाती है यानी कि अब मैं क्या करूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति होगी तो 1000 क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी, दुविधा की स्थिति मतलब ओवरथिंक करेगा वो हर चीज़ के लिए। अब अगर इसमें चंद्रमा थोड़ा बली है और कुंडली में सही भाव में बैठा हुआ है, सही भाव का मतलब है 6, 8, 12 में ना हो, अगर बाकी उसके अलावा कहीं भी होगा, तो उस केस में और अगर आपका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको प्लानिंग की आवश्यकता है जी। जहाँ सोच विचार की ज़्यादा आवश्यकता है जी। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं आप राजनीति में हैं, राजनीति में भी आप बैक में प्लानिंग कर रहे हैं सारी, फ्रंट पे नहीं कर रहे हैं, आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे कैसे करना है, आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उस केस में ये आपके लिए बहुत उपहार बन जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि उसका मन उसका काम है ओवरथिंक कराना और प्लानिंग में आपको क्या करना है, वो 1000 चीज़ें ही तो सोचनी है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है कैसा हो सकता है। तो उस केस में तो ये आपको बहुत अच्छे लाभ दे देगा। विशेष ध्यान रखें इन बातों का जो आचार्य जी हमारे बता रहे हैं। और ऐसे में आचार्य जी एक सवाल ये उठता है कि कैसे हम जाने कि हमारी कुंडली में ये विषयोग बैठा हुआ है, क्या वो लाभ और हानि से इसके बारे में जाने, या दूसरा क्या माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम जान सकें कि हमारी कुंडली में ये बैठा है तो हमें ये उपाय करना चाहिए, जहां हमें नुकसान हो रहा है तो उसे हमें कम करने के लिए ये उपाय करना चाहिए, और अगर कहीं मजबूत है तो उसे और मजबूत हम कैसे कर पाए, तो क्या सावधानियां हैं क्या उपाय हैं इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आपने पूछा कि कैसे हम जाने जी कि विषयोग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसमें आपको देखना है शनि और चंद्रमा 12 घर उसमें 12 खाने बने हुए हैं कुंडली, जिस भी खाने में अगर शनि और चंद्रमा साथ बैठे मिल जाए, तो अगर हिंदी में लिख रहा होगा तो शनि लिखा हुआ होगा प्लस चंद्र लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में होगा तो SAT सैटर्न लिखा होगा और MON मून लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो उसमें अगर वो कहीं भी साथ है तो एक तो ये तरीका कि आप कुंडली देख के जान लीजिए कि जी विषयोग बन गया है, दूसरा है कि आप जाने अपने लक्षणों से कि अगर आप डिसीजन लेने में डिले करते हैं, आप कुछ लोग होते हैं कि क्विक डिसीजन लेते हैं, आपने बात बोली डिसीजन लेंगे और वो अपना एक्शन ले लें कर देंगे, फिर बाद में नुकसान होगा फायदा होगा उनको कुछ नहीं पता। कुछ लोग होते हैं कि करने से पहले सोचेंगे 10 बार, और कुछ एक्सट्रीम होते हैं कि सोचते रहेंगे करेंगे ही नहीं। तो अगर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं डिसीजन लेने से पहले, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि चंद्र साथ में होंगे जी। अब लेकिन अगर आपको अननोन फियर आता है, कई बार आप सोचते हैं लेकिन अननोन नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मतलब फियर क्रिएट होता है आपके मन में, तो उस केस में हो सकता है शनि ना हो राहु चंद्रमा के साथ हो। अच्छा, ये भी योग बन सकता है, ये भी योग बन सकता है, तो वो ग्रहण बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कि अगर विष योग मंगल की राशि में बना है, वृश्चिक में या मेष में, या मंगल का इन्वॉल्वमेंट आ गया है उस विष योग में, तो आप सन्यासी तक भी बन सकते हैं। एक्चुअल सन्यासी जब मंगल शनि और चंद्र की युति बन जाए या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो सन्यासी होगा जो डिटैच्ड हो जाएगा सबसे, क्योंकि उसका मन इतना पीड़ित हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा ओवरथिंकिंग में, तो एक समय आएगा कि फिर वो सब चीज़ों को छोड़ देगा।
अच्छा। और वो पक्का सन्यासी हो जाएगा। विशेष तौर पर इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही अब क्या उपाय हैं? जहां कहीं विषयोग बना हुआ है आपकी कुंडली में या फिर उसके बुरे प्रभाव आपको दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ये बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी कुंडली भेज सकते हैं और अपने बारे में बखूबी सारी बातों को जान सकते हैं। आचार्य प्रदीप जी आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या आपको शुभता दे रहा है, कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या क्या आप कुछ ऐसा उपाय कर लें जिससे आपके जीवन में सब शुभ मंगल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषयोग को दूर करने के लिए या इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए प्रदीप जी कौन से ऐसे उपाय हैं, एक साधक जो है जो इस योग से पीड़ित है वो अपने जीवन में ऐसे कौन से बदलाव लाए या कौन से ऐसे उपाय करे जिससे उसके जीवन में बदलाव आए। तो जब भी आपकी कुंडली में विषयोग है, यानी कि आपका मन जरूर से ज्यादा त्रस्त अगर आपको लगता है, तो क्या करना होगा आपको? विषयोग बना शनि प्लस चंद्र की युति से, तो आपको उस केस में शनि को कमजोर करना होगा ताकि वो आपको चंद्रमा को ज्यादा पीड़ित ना कर पाए, और चंद्रमा को आपको बलवान करना होगा ताकि आपके मन में कुछ पावर आ जाए, वो कम पीड़ित ना हो जाए बहुत ज्यादा। तो क्या करना है, आप शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान करिए। दान में आप क्या कर सकते हैं, आप काले कंबल गरीबों को मजदूर वर्ग को आप बांट सकते हैं, जो हमारी उड़द की दाल होती है, साबुत उड़द होते हैं उनको आप दान करिए, काला चना होता है उसको आप काली गाय या भैंस को आप खिलाइए, खासकर विशेषकर जो है आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आप तेल का दीपक जलाइए हर शनिवार को, तो इससे शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। दूसरा, अब चंद्रमा को आपको मजबूत करना है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा अगर रामवाड़ कोई इलाज है वो है भगवान शिव की आराधना। तो अगर आप डेली शिवलिंग पे जाके मंदिर जाके अगर आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं, उसके साथ साथ घर से लेके मंदिर तक, मंदिर में और फिर मंदिर से लेके घर तक ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हुए जाएं, वहाँ पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर वापसी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ जाएं, तो मैं ये पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका मन आपके अनुकूल हो जाएगा, यानी कि उतनी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं रहेगी, इस विष योग का नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। नंबर 2, अब अगर आपका चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में ये अगर योग नहीं बन रहा है और चंद्रमा वहाँ पर किसी नेगेटिव हाउस का मालिक नहीं है 6, 8, 12 का, तो उस केस में आप चंद्रमणि यानी कि मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। अगर आप चंद्रमा आपका मून स्टोन भी धारण नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से, कि आपकी पत्री में गलत भाव का मालिक बन गया है, उस केस में आप 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी की लॉकेट में या वाइट धागे में आप अगर उसको भी पहनते हैं मंडे के दिन, आप पहन लीजिए ओम नमः शिवाय का जाप करके शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके, तो वो भी आपके मन को काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। यानी कि अगर ये 2-3 उपाय अगर आप कर लेते हैं, कोई सब इनमें से एक उपाय कर लें, तो आपका मन जो विष योग के एक नेगेटिव इफेक्ट को लेकर चला आ रहा है उससे आपको निजात मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने सोने की पोजीशन को, घर में किस जोन में आप सोते हैं उसको जरूर चेक करिए। पिछली भी किसी वीडियो में हमने ये बात कही थी कि आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बिल्कुल ना सोएं। इसके अलावा जहाँ भी आपका मन करे वहाँ सो जाएं। जो भी आपको ये जोन देखने हैं घर के सेंटर से देखने, इन पर भी कभी हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल में। तो अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से विषयोग से जो दुष्परिणाम हमें आपको अपनी कुंडली के अनुसार जो मिलते हैं उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं और क्या सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार से हमें सोना है, क्या दान करना है, शनिदेव कैसे प्रसन्न रहेंगे, इसके बारे में आचार्य प्रदीप जी ने हमें बताया। और इन्हीं सावधानियों को बरतना है, इन्हीं उपायों को करना है जिससे हमारे जीवन में जो विषयोग हमें अशुभ फल दे रहा था वो हमें शुभता प्रदान करने लगे। प्रदीप जी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी 12 राशियां, और 12 राशियों के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हमने जाना वो था विषयोग। विषयोग को कैसे हम दूर कर सकते हैं या उसके दुष्प्रभाव को हम कैसे अच्छे प्रभाव में बदल सकते हैं, ये आपने जाना। और बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे आचार्य प्रदीप जी के साथ ही नव वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल, और जानेंगे क्या है शिक्षा, व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य
और कैसी है आपकी लव लाइफ, कैसी रहने वाली है 2024 में आपकी लव लाइफ, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। आपकी पारिवारिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं और उन्हें कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत जल्द आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।